हे दोस्तों, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए कि आपको टीवी देखना है, तो क्या स्टेप्स होंगे आपको टीवी ऑन करने के लिए? सबसे पहले तो टीवी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, सेकंड सेट टॉप बॉक्स इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, देन टीवी से कनेक्ट करो, देन थर्ड स्टेप विल बी रिमोट से टीवी ऑन करो। बट अगर आप थके हुए हो एंड आपको खुद से टीवी ऑन करने का मन नहीं है, सो आप कोशिश करेंगे कि आपका भाई या बहन कोई आ जाए और आप उसको टीवी ऑन करने को बोलो। फिर आप उनको एक एक करके तीनों स्टेप बताएंगे और वो उसको फॉलो करके टीवी ऑन करेंगे। बट इजंट दिस अ लेंथी प्रोसेस? तो आपने क्या किया, सारे इंस्ट्रक्शंस पेज पे लिख दिए और उस पेज को टीवी के पास में चिपका दिया। और अब आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर जो भी टीवी ऑन करने वाले हैं, उनको बोला कि वो पेज पर देखकर सारे स्टेप फॉलो कर लें। साथ ही साथ आपने जिस पेज पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आपने उस कलेक्शन का नाम रख दिया ओपन टीवी, ताकि आप सबको बोल सकते हैं कि ओपन टीवी यूज करके टीवी ऑन कर ले। यहाँ पे जो पेपर है जिसका नाम ओपन टीवी है, हम उसको एक फंक्शन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जो फंक्शन ओपन टीवी है उस वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसका हमने नाम ओपन टीवी रखा है। सो हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद अ मीनिंगफुल नेम। उसका मतलब है कि कोई भी एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं अगर उसको हमने एक मीनिंगफुल नेम दिया हुआ है तो। सो आपने एक शॉर्टकट आइडेंटिफाई कर लिया है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं टीवी ओपन करने के लिए, और आपको सारे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन फिर से बताने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम ब्लॉक कोडिंग में फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फंक्शन इन डेली रूटीन समझते हैं अब। ठीक है, तो आपका दिन शुरू करने के समय आप पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप तीनों इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं टीवी ऑन करने का, टीवी पे कुछ देखने के पहले। फिर अच्छे से आप अपना फेवरेट शो देखते हैं, लेट्स से उसके बाद आपको अपना टीवी ऑफ करना है। उसके लिए फिर से आपको तीन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले रिमोट से बंद करो, फिर सेट टॉप बॉक्स को निकालो, फिर टीवी को बंद करो और फिर टीवी को निकालो। उसके बाद आराम से आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो। उसके बाद आप फिर से तीनों स्टेप फॉलो करके अपना टीवी ऑन करते हैं और फिर आप अपना लेट्स से न्यूज देखने का मन किया, आप न्यूज देख रहे हैं। सो न्यूज देखने के बाद फिर आपको फिर से टीवी बंद करना है, और टीवी बंद करने के लिए आपको फिर से तीनों स्टेप फॉलो करना पड़ा। टीवी बंद करो, सेट टॉप बॉक्स बंद करो, फिर अनप्लग करो। सो पूरे रूटीन में हम देख सकते हैं कि दो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक को हम टीवी ऑन करने वाले को बोल सकते हैं ओपन टीवी, और टीवी बंद करने वाले को हम बोल सकते हैं क्लोज टीवी, जिसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं बाद। सो ये जो फंक्शन डिफाइन करने से हमारा 16 स्टेप का जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप में लिखा हो गया, एंड इट इज वेरी इफिशियंट टू राइट एज वेल। उसको आराम से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने सीखा फंक्शन किसी भी बड़े प्रोसेस को कम लाइन्स में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड, उसको लिखने में काफी आसानी भी होती है। सेकेंड, हमने सीखा कि अगर हम फंक्शन को एक मीनिंगफुल नेम दे देंगे तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।